व व व रहमतुल्लाहि अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरक वेलकम बैक दीन फॉर टीन्स एंड आल्सो टीन फॉर दीन सही अब तक तो दीन हमारे लिए हम भी तो दीन के लिए कुछ करेंगे और ये उम्र जैसे कि मैंने कहा टीन एज की उम्र इज़ अ ईयर ऑफ ग्रोथ बट ग्रोथ इज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन तो वी हैव टू ग्रो इन द राइट डायरेक्शन ग्रोइंग इन अ राइट डायरेक्शन आप समझ गए होंगे टॉपिक कि हमारा ग्रोथ रॉन्ग डायरेक्शन में भी हो सकता है हम देखते हैं ना कुछ प्लांट्स होते हैं इनको बांध के रखना पड़ता नहीं तो टेढ़े हो जाते हैं उसी तरीके से अगर डिसिप्लिन में हमने अपने आप को मानता तो हमारा ग्रोथ राइट right डायरेक्शन में अब ग्रोथ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है पहले मैं बता दूँ कि ग्रोथ तीन चीज़ों में होती है ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे रिलीजियस ग्रोथ जिसको बोलते हैं दुआएं हिफ्स किया अखलाक अच्छे किया दैट इज़ कॉल यू स्पिरिचुअल ग्रोथ फिज़िकल ग्रोथ और थर्ड है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो आपको एकेडेमिक्स और लाइफ स्किल्स कंप्यूटर्स गाड़ी चलाना ये सब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है तीनों किस्म का ग्रोथ ज़रूरी है लेकिन अफसोस की बात ये है ना हम लोग एक या दो ही ग्रोथ पे फोकस करते हैं कुछ लोग खाली एक पे, और कुछ लोग ऐसे ही बड़े हो जाते हैं यार ऐसे ही बड़े हो जाते हैं न ग्रोथ की पड़ी है बस जिंदगी गुजरती है सवेरा होता है सुबह होती है शाम होती है ज़िंदगी तमाम होती है तो तीन डायरेक्शन में ग्रोथ ये ज़रूरी है कुछ लोग सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ तोज्जो देते हैं यानी टोटली रिलीजियसली कमिटेड रहते हैं बड़े हो जाने के बाद तीस साल के पैंतीस साल के हो जाने के बावजूद भी ये लोग कभी घर में पैसा कमा कर लाते नहीं अपनी फैमिली के लिए मैंने देखा हूँ कुछ फैमिली में लड़का दिनदार है दिन भर मस्जिद में रहता है आज इसका लेक्चर सुनने गया शाम को उधर लेक्चर सुनने गया फिर इधर गया पैसा कमाता नहीं अट्ठाईस साल का हो गया तीस साल का हो गया बेचारे के वालिद साहब सिक्सटी फाइव ईयर्स के आँखों में तकलीफ़ और अभी भी टेलर है दर्जी है सोचो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ हो गए लेकिन आपने इंटेलिजेंटली सोचा नहीं कि अल्लाह ताला मुझे पूछेगा कि क़यामत के दिन मुझे कर पूछेगा कि माँ बाप के लिए क्या किया है ना जब बच्चा पैदा होता है ख़ास करके बेटा तो बाप सोचता है कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर हमारा बुढ़ापे का सपोर्ट बनेगा लेकिन बेटा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बिजी है सोते रहता है और अगर बिजी नहीं है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में इतना लगा हुआ है इतना लगा हुआ है कि दुनियावी जिम्मेदारी उसको नहीं तो मालूम पड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ज़रूरी है देखिए जितने अम्बिया थे जितने नबी थे इन सबको अल्लाह ने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी दिया था इनके पास हुनर था दाऊद आयन स्मिथ लुहार उसी तरीके से सारे अंबिया शैपड्स थे कभी ना कभी दो साल तीन साल एवरी प्रॉफिट वर शैपड आप पता शैपड होना कितना सब्र चाहिए वो बकरी का बच्चा उधर भागा दूसरा बकरी का बच्चा उधर भागा आप उसे लकड़ी से मार भी तो नहीं सकते है ना और ढेर सारे होते हैं आप उसको लेकर आए तो ये भाग गया उसको लेकर आए तो ये भाग गया कभी भेड़िया आ गया बच्चे को उठाने के लिए बकरी के तो आप दौड़े तो टू तो तो लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ वेरी डिफिकल्ट तो वो करते करते आदमी के अंदर सब्र का मादा आ जाता है लेकिन हुनर था देट वॉज एन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ हेल्थ हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे टीचर कहा करती थी ना हेल्थ इज वेल्थ मैं किसी बड़े मशहूर हस्ती के वहाँ नवाब थे किसी शहर के उनके वहाँ खाने का इंतज़ाम था तो हम लोग तकरीबन साढ़े चार सौ लोग खाने पे थे कितने साढ़े चार सौ लोगों का हॉल में दस्तर खुने से बैठा हुआ टेबल पे सब लोग हम बैठे हैं बिल्कुल नवाब साहब मेरे सामने अभी नवाब साहब के वहाँ खाना होगा तो कितनी डिशेज़ आएगी समझ रहे हैं इतने ही सारे खाने की डिशेज़ थी और हम लोग खा रहे नवाब साहब की प्लेट में खाली उबाला हुआ चना और थोड़ी सी रोटी महंगा सा नवाब साहब आप खाएंगे नहीं कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर है हाइपर है डायबिटीज़ है डॉक्टर ने मना किया है अब मैं सोचने लगा ये पैसा इनका साढ़े चार सौ आदमी खा रहे बेचारा खुद नहीं खा रहा है कि नहीं तो इससे क्या मालूम हुआ हेल्थ इज़ वेल्थ अगर हेल्थ चली गई तब उसकी वैल्यू पता चलती है एक आदमी को कैंसर एक आदमी को टी है उसकी वैल्यू उसको पता नहीं होती है आप जाइए कभी फ्री टाइम पर छुट्टी के दिन कैंसर हॉस्पिटल में जाइए फ्रूट्स लेकर आप कैंसर के पेशेंट को देखो किसी का यहाँ ऑपरेशन हुआ है किसी को इतनी बड़ी गांठ है किसी को इतनी बड़ी गांठ है किसी को मुंह का कैंसर है पूरा काटा हुआ है आप एक से एक पेशेंट को देखेंगे आपको अपनी हेल्थ महसूस होगी इसकी वैल्यू क्या है हेल्थ की वैल्यू क्या है आप किसी मरीज को देखोगे तब आपको एहसास होगा तो हेल्थ में भी तवज्जो देनी चाहिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ एक लड़का था बहुत ब्रिलियंट था पढ़ने का बहुत शौकीन पढ़ाई करते रहता है पढ़ाई करते रहता है दुबला पतला गरीब था किसी ने उसको घर पे बुलाया बोला बेटा ये तू तो दिन भर पढ़ाई करते रहता है बोला सर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है बोल योर हेल्थ यार तेरी हेल्थ तो देख तू तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा जवानी में बूढ़ा हो जाएगा शाम को जाके फुटबॉल खेलने का और रोज़ एक कप दूध पीने का तो कहा सर हमारे माई फादर इज़ नॉट सो रिच तो कोई बात नहीं मेरे घर पे आ जाना बस ई वॉज अ बॉय ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मुफ्त में नहीं पीऊँगा कोई बात नहीं मेरी गाड़ी धो डालना या मेरे बुक शेल्फ को रोज़ साफ़ करके रख देना एक कप दूध पी लेना अब वो लड़का एक घंटा फुटबॉल खेलता है और एक कप दूध पीता है उसके बदले में उनका घर का काम करके देता है धीरे धीरे ही बिकम वेरी हेल्दी अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यूरोप में तो क्या होता है फिजिकल तो हेल्थ की तरफ लोग इग्नोर करते पढ़ाई 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 एकेडमिक्स एकेडमिक्स एकेडेमिक्स और आजकल तो ये मोबाइल पे लेकर ऐसे बूढ़े की तरह बैठे रहते हैं दिन भर हाँ फिगर ही ऐसे हो जाएगा पंद्रह बीस साल के बाद ऐसा खड़ा ही नहीं रह पाएगा जवानी में लोग बूढ़े हो जाएंगे चश्मे लग जाएंगे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो जाएगा जब ऐसे बैठे रहते हैं ना कंप्यूटर के सामने ऐसे ये गर्दन है ना ये गर्दन ये दुखना शुरू हो जाएगी फिर पट्टा पहनते हैं छोटी उम्र में लोग पट्टा पहन के घूमते हैं तो हेल्थ की कदर करनी चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हेल्थ की कदर करो चली जाएगी फिर वापस नहीं आएगी एक आदमी बूढ़ा हो जाता है जवानी थोड़ी वापस आएगी कितनी भी टेबलेट्स लेगा सप्लीमेंट्स लेगा वो गया वो गया यार यू हैव टू वैल्यू द हेल्थ अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं कि आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए आपका ईमान मजबूत होना चाहिए आपकी इबादत के अंदर ब्यूटी आनी चाहिए कोई भी इबादत यहाँ तक कि आप कुरान पढ़ते हो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ब्यूटीफाई कुरान विद योर वॉइस कुरान को अपनी आवाज़ के ज़रिए खूबसूरत बनाओ यानी किरात अच्छे अंदाज़ में करो और हमारी नमाजल्ला फट 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 खत्म करके हम निकल जाते हैं यार वी डोंट केयर कि के नमाज़ बराबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी ब्यूटीफाई कूडान फिथ दियर वॉइस दैट इज स्परिचुअल ग्रोथ स्परिचुअल ग्रोथ का एग्जाम्पल और दूँ तो आज आप पाँचों की नमाज पढ़ते हैं ग्रोथ है अब आगे बढ़ना चाहिए अब मस्जिद में जा नमाज पढ़ो जमात के साथ अब और आगे बढ़ो पहली से में नमाज पढ़ने की कोशिश करो यानी जो लोग पहले आते हैं मस्जिद में उसमें सबसे पहला कौन आया जो इमाम के नज़दीक आके नमाज़ पढ़ता है पहले वजू करके अजान से पहले आगे नमाज का इंतज़ार कर रहा है अब देखो अबू बकर सिद्दीक का मकाम हम जानते हैं ना साहबा में नंबर वन रजी अल्ला क्यों ही न सबकू सब सबसे पहले ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल की इतात में नंबर वन अबू बकर चाहे फ़राइज हो चाहे नवाफिल हो सदका ज़कवात चैरिटी हसन सलूक ये सारी चीज़ों में अबू बकर सिद्दीक नंबर वन रहते थे यानी सारे साहबा पहली जनरेशन इज़ कंसिडर टू बी सबिक उनमें से अबू बकर सिद्दीक फिर अशरलमुबसरा और नौ साहबा कि राम उनके साथ मिलाओ तो, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता साहबा के राम का ग्रोथ होता था हम लोग खाली सोते हैं मुसलमान लोग पढ़ाई करेंगे ना एजुकेशन आ जाएगा ना तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अरे हिस्ट्री जोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारी सोसाइटी का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी यार खाली तुम्हारी पंद्रह बीस हज़ार की सैलरी बढ़ेगी और क्या है यार और बोलो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कॉम के अंदर इतनी बेवा है तुम्हारा हिस्ट्री जोग्राफी मैथ्स तुमको आता है क्या है क्या है क्या सॉल्व करेंगे बताइए इट इज़ नॉट एजुकेशन दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम इट इज़ तकवा एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम ये साहबा की जो जमात थी रिजवान अजमैन अल्लाह तब से राजी हो ये साहबा की जो जमात थी इसमें फार्मर्स थे लेबरर्स थे स्लेव्स थे गुलाम थे शेपर्ड्स थे एजुकेटेड बहुत कम थे बहुत बहुत कम थे लेकिन जब इन्होंने स्पिरिचुअल अपलीफमेंट किया अपना का स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ कुरान पढ़ने लगे हिफ्स करने लगे सच बोलने लगे अखलाक अच्छे करने लगे और दीन सीखने लगे अल्लाह और उसके रसूल की इताद करने लगे सुन्नत को चुन चुन कर पकड़ने लगे जहाँ किसी ने बोला अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है तो फट करके अप्लाई करना शुरू करते थे जब ये सब करना शुरू कर दिया तो उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हाई हो गया और इमीजिएटली दो तीन जनरेशन के अंदर उनके जो जनरेशन शुरू हुई उनके बच्चे आए और सेकेंड थर्ड जनरेशन जो आई उसमें हर फील्ड के इस्काल आने शुरू हो गए एस्ट्रोनॉमर्स आ गए उसके बाद मिलिट्री जनरल्स आ गए एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए अकाउंटेंट्स आ गए उस ज़माने में कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी कोई यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं थी यार ये तो अभी 600 साल से बननी शुरू हुई ओनली 600 हंड्रेड ईयर्स हो गो दैट्स ऑल उससे पहले क्या था इनके पास अरब के पास इनके पास एजुकेशन सिस्टम था चाइना इंडोनेशिया से लोग मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते थे दो यूनिवर्सिटीज़ थी मशहूर एक बगदाद में मंसूर करके जो खलीफा थे उन्होंने बगदाद में दारुल हिकमत बनाया दारुल हिकमत, दारुल हिकमत बनाया दारुल हिकमत यानी द यूनिवर्सिटी द हाउस ऑफ लर्निंग हाउस ऑफ विजडम इसमें नॉट ओनली कुरान साइंस एस्ट्रोनॉमी मैनेजमेंट सब सिखाते थे जैसे आज लोग पी करने जाते हैं ना फॉरन सब सिखाते पूरी दुनिया से लोग बगदाद में आते थे और दूसरा कोरोडा स्पेन में पूरी दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आते थे तो मुसलमान तरक्की करते थे एकदम सी जनरेशन ऐसी आई कि इंडोनेशिया में इस्लाम फैल गया पूरा कंट्री मुस्लिम हो गया इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्की आर्मेनिया जॉर्जिया ये पूरा का पूरा बेल्ट मुसलमानों का हो गया इनकी हुकूमत है साल तो इस मुल्क पे हुकूमत हुई वो एजुकेशन के साथ क्या था कुरान था अल्लाह ताला, ताला बहुत सारे लोगों को बुलंदी पर ले जाएगा कुरान के ज़रिए और बहुत सारे लोगों को जलील करेगा कुरान के ज़रिए यानी क्या मायना होता स्कॉलर्स ने इस हदीस को इस आतार को समझाते हुए कहा है कि जो लोग कुरान को फॉलो करेंगे कुरान को अपना लेंगे कुरान सीखेंगे उसको ओबे करेंगे ये लोग तरक्की पर जाएगी उनकी दुनिया में इज़्ज़त बढ़ेगी ये लोग टॉप होंगे अगर वो मैनेजमेंट में है, तो मैनेजमेंट में टॉप रहेगा उसकी मार्केट वैल्यू भी रहेगी और जो लोग कुरान को तर्क करेगा नाम का होगा मुसलमान खतला कराएगा ईद के दिन नए कपड़े पहनेगा और इतर लगाएगा और बन के घूमेगा जुमा की नमाज़ में पीछे की सप में पाँच मिनट के पहले नमाज खड़ी होने के जाके नमाज पढ़ करके आ जाएगा एक ये भी मुसलमान है जो तर्क कुरान करते हैं हालांकि समझते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं अमल करते हैं लेकिन ज़िंदगी में कुरान का ठिकाना ही नहीं है तो ऐसे लोगों के बारे में अल ख़ताब कहते हैं अल्लाह इनको जलील करेगा एक होता है गैर मुसलमान जो कुरान का इंसल्ट करता है जैसे सलमान रशदी तस्लिमा नसरीन। और एक होता है कि एक वो मुसलमान जो अल्लाह की कुरान की नाफरमानी करता है दावा करता है कि मैं कुरान को फॉलो करता हूँ लेकिन कुरान को फॉलो नहीं करता बल्कि उल उल्टा करता है कुरान कहता है सच बोलो वो झूठ बोलता है कुरान कहता है फ़ाहिशा से दूर रहो वला फ़वाहिशा फ़ाहिशा से दूर रहो लेकिन वो चुपके से पिक्चरें देखते हैं क्लिप्स देखते हैं ब्लू फिल्म देखते हैं पोर्नोग्राफी देखता है, है मॉडलिंग लड़कियाँ देखता है तो वो इज़ गोइंग अगेंस्ट द कुरान तो, तो इज्जत नहीं आ सकती है वो कितना भी पढ़ा लिखकर पी एच डी हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा यार इज़्ज़त नहीं आएगी इज्जत का कनेक्शन अल्लाह ने रखा है कुरान के ओबीडियंस के साथ तो उस जमाने में मुसलमान जो टॉप पर आए हैं मैं आपको समझाता हूँ जो टॉपर आए वो कुरान के साथ साथ अल्लाह ताला ने फिर इनको इंटेलिजेंस दिया उससे पहले ये लोग ऐसे ऐसे नहीं थे शेपर्स थे यार फार्मर्स थे फिर कैसे हुकूमत चलाना सीख गए विदाउट इंटरनेट विदाउट कुछ भी वहाँ से वहाँ तक कैसे इनकी हुकूमतें चलती थी भाई एक दौर आया कि इन्होंने कुरान पर मेहनत की एजुकेशन दोनों को कम्बाइन किया इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लर्निंग दोनों को कम्बाइन किया फिर ज़माना आया मुसलमानों का आर्किटेक्चुरल मार्वल मुसलमानों ने एजुकेशन छोड़ दिया उसके बाद आर्किटेक्चुरल मार्वल में चले गए ताजमहल कुतुब मीनार शालीमार गार्डन बनाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया पढ़ाई लिखाई का ज़माना किसी और के पास चला गया यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हो गई फ्रेंच यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब हमारे यहाँ ताजमहल बना रहे थे वो लोग यूनिवर्सिटी बना रहे थे दोस्त तो क्या हो गया आज देखो आज यूरोप का चलता है ना मुसलमान मुल्क पे भी किसकी चलती है यूरोप अमेरिका का ही चलता है उन्होंने ले लिया हमारा हम ताजमहल कुतुब मीनार सब बनाते रहे तो वो तबका हमारे पास से हुकूमत चली गई इस मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी वहाँ वहाँ अंग्रेज़ों की क्रिश्चनों की हुकूमत आ गई इंडोनेशिया में आ गई तुर्की में आ गई सब सब जगह पर इनकी हुकूमतें आ गई फिर नया तबका आ गया हमारा अभी का जनरेशन ये तो हो गया चलो भाई पाँच साल पहले आज मुसलमानों की पहचान किससे है पता है आपको आज मुसलमानों की पहचान बड़ी बड़ी आलिशान रेस्टोरेंटों के नाम पे जानी जाती है ना अरे बिरयानी खानी है वो होटल में जाना अरे चिकन हलवा खाने का उधर जाना टिक्का खाने का उधर जाना यानी मुसलमानों के मोहल्ले में स्कूल कॉलेज कम है और रेस्टोरेंट ज़्यादा है हर गली में दस होटल मिलेंगे आपको सीख कबाब शामी कबाब सीख कबाब शामी कबाब अब तो हर गली में दस दस अवर्मा वाले आ गए जो कौम गवर्नमेंट बनाने के काबिल थी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे एस्ट्रोनर्स थे मिलिट्री जनरल थे मैनेजर्स थे ये लोग बावरची बन गए अभी हम बाची बन गए ना पीपल नो एज ओनली वो मुस्लिम है कि मैं रमज़ान में खाने को जाने का भिंडी बाजार में जाओ ये मिलता है जुमा मस्जिद में जाओ फलानी आइटम मिलती है तो खाने पीने के लिए सब जाते हैं हम क्या बन गए हम बाबरची बन गए दुनिया के नॉन मुस्लिम को भी अगर बिरयानी खाने का तो मुसलमान के घर पर जाओ ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने का तो मुसलमान के घर पर जाओ या ईमानदारी से कोई बिजनेस करने का तो मुसलमान के वहाँ जाओ तो इसमें हमारे पर कोई भरोसा नहीं करता है दोस्त जहाँ पे हमने देखा कि मुस्लिम मोहल्ले में आप जब घूमोगे आप आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी तो पता चला कुरान से दूरी हो गई और दुनिया में फंस गए हम लोग एंटरटेनमेंट में आप मुसलमानों को टू थर्ड मुस्लिम्स हैं आप इंडियन एंटरटेनमेंट देखोगे ना इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिल्में टी वी सीरियल्स तो उसमें टेक्नीशियंस एक्स्ट्रा एक्टर्स एक्ट्रेसेस, इसमें वन थर्ड मुस्लिम्स हैं अब बोले आप एंटरटेनर्स बन गए जोकर बन गए एक बादशाह की कौम थी बादशाह वाली कौम थी आज फ्लॉप हो गई इसीलिए जवाल है इसीलिए हमारा डाउनफॉल ऐसा होता है एक होता है कि प्लेन ऐसे उतरता है ना और ऐसा उतरेगा तो क्या होगा ऊपर से कुछ फेंकेगा तो धम करके गिरेगा वैसा हमारा है तो स्पिरिचुअल खराबी आती है तो सारी खराबियाँ शुरू हो जाती हैं इंटेलेक्चुअल खराबियाँ भी आती है फिज़िकल खराबी भी आती है गंदी आदतें लग जाती है पड़े रहते हैं सोते रहते हैं रात रात भर जागते रहते हैं दिन भर सोते रहते हैं ये रूटीन बन जाता है जवानियों का वो शायर कहता ना लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया क्या फायदा अभी आपका बुढ़ापा रोने से क्या फायदा है तो ग्रोइंग इन राइट डायरेक्शन स्पिरिचुअल ग्रोथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ अब फिजिकल ग्रोथ में ये नहीं कि सबके सब बॉडी सब बिल्डर बन जाओ नो यू हैव टू बी हेल्दी ओके हेल्दी तो रहना चाहिए अच्छी बात है अल्लाह ताला को खुद पसंद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह को पसंद है कवि मोमिन एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ कवि मोमिन फाइनेंशियली स्ट्रांग फिज़िकली स्ट्रांग सोशली स्ट्रांग इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग पॉलिटिकली स्ट्रांग हर किस्म की स्ट्रेंथ होती है और कोई भी स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर है तो अल्लाह को आप पसंद है इफ़ यू यूटिलाइज इट फॉर ए गुड कॉज अगर इंसानियत के फ़ायदे के लिए आपने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया डन यू आर गुड लेकिन हमारा ग्रोथ इस डायरेक्शन में नहीं जाता है हम ट्रेंड फॉलो करते हैं आप देखो अक्सर मुसलमानों के बच्चे आपको मोबाइल की दुकानों में मिलेंगे मोबाइल और जीन्स की और टी शर्ट की दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा कौन है मुस्लिम्स से। इसलिए नहीं कि वो गरीब है इसलिए नहीं कि वो गरीब है मैं पैसे वालों के बच्चों को जानता हूँ दुकान में जाके बैठ के भाई स्टडीज़ क्यों कम्प्लीट नहीं की ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से आगे बढ़ते ही नहीं हैं लड़कियाँ ग्रेजुएट हो जाती है अब कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है इनसे कि ये तो पढ़ी लिखी है मैं तो यंग ग्रेजुएट नहीं हूँ तो भैया पढ़े लिखे क्यों नहीं है तो गड़बड़ी हो गई क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ में गड़बड़ी हुई रात भर जागना दोस्तों के साथ रखड़ते रहना रात रात भर यहाँ से साकिना का कुर्ला से हाजी वाली जूस पीने जाना रमजान की रातों में इबादत की रातें हैं लेकिन हम जो घूमते रहते हैं हाजी अली में मोहम्मद अली रोड पे शॉपिंग करते हैं कदर की रात में हम शॉपिंग करते टाइम वेस्ट हो गया तो दिन में पढ़ाई कैसे होगी हाउ विल यू स्टडी पूरा रमज़ान गुजर जाता है कदर रात की इंसल्ट इससे बड़ी क्या हो सकती है अल्लाह ताला फरमाता है वमा अदरा का माँ कदर तुमको क्या मालूम क्या कदर क्या वर्ट डू यू नो लहल़द्र सही तो है अगर हमको पता होता है कदर क्या है तो हम मोहम्मद अली रोड पर थोड़ी रखड़ते रात को हम कुरान पढ़ते ना यार एटी थ्री ईयर्स की इबादत एक रात में वमा अदरा का माल है रहलतल़र वट डू यू नो वॉट इज़ कदर आपको क्या मालूम है हाँ हमको क्या मालूम है हमको मालूम होता तो हम कियामलैल करते हम कुरान पढ़ते हम तो शॉपिंग करने के लिए जाते एक जोड़ी जूता करने के लिए तीन दिन तीन रात तक हम रखड़ते हमारे छः दिन में तलावियाँ ख़त्म हो जाती पहले छः रातों में अब उसके बाद कदर की रातों में सब बिज़नेस करते हैं कदर की रात इबादत करने के लिए बिजनेस करने के लिए थोड़ी है यार पूरा मुसलमानों का मोहल्ला औरतें भी रात को दो बजे रोड पे रहती है तो ये डाउनफॉल है दिस इज स्पिरिचुअल डाउनफॉल आपने कदर के इंसल्ट कर दी आपके जिंदगी में से वो चला गया जो दब दबा था जो स्ट्रेंथ थी आपकी वो चली गई यू विस्टिड कदर अगर आप कुरान पढ़ते अगर क्याम्लह पढ़ते तो आपका कैरेक्टर अच्छा हो जाता हैबिट्स अच्छी हो जाती रात को वो भी जागते हैं भी जागता है लेकिन फिर क्या ये रमज़ान की रातों में रखटने की जो आदत पड़ जाती है ना फिर वो साल भर नहीं जाती है इसीलिए मुसलमानों के मोहल्ले में तुमको दो तीन बजे भी खाने की रेखड़ियाँ मिलेगी लेकिन कोई गुजराती मारवाड़ी के मोहल्ले में जाओगे रात को दस बजे के बाद तो आपको कुत्ते भोंकेंगे क्योंकि रोड पर कोई होता ही नहीं है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुन्नत करार किया है कि ईशा की नमाज के बाद बात करना अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं था सिवाय कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो जाके सो जाते थे यानी उस ज़माने में कितने बजे ईशा होती होगी नौ साढ़े नौ दस बम्बई में तो ग्यारह बजे इवनिंग कहा जाता है इवनिंग है आई एम कमिंग होम एट योर टुडे इवनिंग कितने बजे इलेवन ओ क्लॉक अरे वो तो नाइट है यार नाइट आधी होने आ गई लेकिन इवनिंग क्योंकि शाम शुरू होती है महफिल शुरू होती है हैदराबाद में गया तो टेरेस पे खड़ा था छठे माले पे आजू बाजू आठ से दस शादियों के हॉल और रात को दो बजे बारह तारीख रात को दो बजे बारह तारी और एक नहीं छः हो गई जगह पर दूसरे दिन फोन किया शेख रफीक को शेख ये क्या है रात को दो बजे बारह तारी बैंड बज रहे यार सोया नहीं रात को बोला कि ये हैदराबाद का निज़ाम है भाई निसार भाई दो बजे निकाह होता है और तीन बजे खाना होता है अजीब है यानी दो चार दिन के बाद किसी के घर पे खाना खाने के लिए गए तो रात को आपको कोई खाने के लिए बुलाएगा तो आप कितने बजे जाओगे सात आठ नौ दस ईशा की नमाज पढ़ के नौ साढ़े नौ को हम ईशा की नमाज़ तो उस शख्स को मस्जिद में मिले तो थैली लेकर खड़ा है अभी गोश्त खरीदने जा रहा हूँ आपके लिए और तो दस बजे गोश्त खरीदने जा रहा है अब खरीद के लाएगा खाना पकाएगा बारह बजे खाना देगा तो शेख रफीक बोलते ये तो यहाँ का निज़ाम है निसार भाई खाने की दावत हो ना रात को तो आपको आने का रात को बारह बजे यार हमको तो भूख लग जाती है भाई मगरिब के बाद तो पूरा निज़ाम उल्टा सुलटा हो गया कि नबी की सुन्नत ये है नबी की सुन्नत ये है कि आप ईशा पढ़ के सो जाए बात करो कुछ इंपॉर्टेंट बातें फैमिली के साथ ओके okay, या कोई फ्रेंड है कुछ अर्जेंट है तो यहाँ तो नौ बजे के बाद तो हमारा दिन शुरू होता है सीधा ऑनलाइन आगे फेसबुक पे सारे वीडियोस जो है सब देखते हैं शेयर शेयर उसके बाद यूट्यूब पे कुछ बचा कुछ है वो देखते हैं कुरान पढ़ने की तो तोफ़ी ही नहीं होती डेढ़ दो बजे जवान बच्चे सोते हैं यार जिन बच्चों को पैसा कमा कर गाड़ी खरीदने की ताकत होती है जो बच्चे पढ़कर अमेरिका यूरोप जा सकते हैं वो बच्चे 12 एक बजे तक खाली वीडियोस पर पड़े रहते हैं और एक नहीं दो नहीं लाखों की तादाद में यू कैन अंडरस्टैंड कितना यूथ हमारा गटर में जा रहा है कुछ नहीं है हमारे पास वाट इज दस क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बदारी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो हमको दूसरी कौमों के लिए लीडरशिप बनाकर भेजा है कैरेक्टर हमसे सीखो पांच वक्त हम वजू करते हैं साफ़ सफ़ाई हमसे सीखो हम हमारे हम प्राइवेट हेयर शेव करते हैं हाइजीन हमसे सीखो सारी चीज़ें हम सिखाने के लिए भेजे गए अल्लाह का इंट्रोड्यूस कराओ दुनिया को हमारा तो काम ही ये है लेकिन हमको याद दिलाया जा रहा है तो दिस ग्रोथ इज़ अ ग्रोथ, ग्रोथ इन अ रॉन्ग डायरेक्शन इसी मुस्लिम कौम के अंदर नमाज़ी बहुत हो गए हमारी मस्जिदें बहुत है बम्बई में पंद्रह सौ मस्जिदें होगी इससे काम नहीं होता है हो हमारी स्कूलें बहुत खुल जाएगी उससे काम नहीं होता है काम होता है कि हमारे ज़िंदगी में इस्लाम कितना है इस्लाम किताबों में है इस्लाम लाइब्रेरी में है इस्लाम यूट्यूब के लेक्चर में है इस्लाम फेसबुक और इंस्टाग्राम के पोस्टर पर है इस्लाम व्हाट्सएप पर है इस्लाम आपकी ज़िंदगी में नहीं है बाकी सब जगह पर है इस्लाम हमारी शादी में नहीं है लेकिन खुदबे में है शादी के खुदबे में इस्लाम की बात करता है मौलाना लेकिन वही शादी में बेपर्दगी होती है पैसा वेस्ट होता है खाना वेस्ट होता है इस्लाम सारी जगह पर है लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है मुसलमान की ज़िंदगी में मुसलमान की शादियों में मुसलमानों के जनाजे में मुसलमानों के घरों में इस्लाम नहीं है इसलिए दिस इज़ अ डाउनफॉल तो ग्रोथ इन द राइट डायरेक्शन के एक बात हम और इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हाउ टू ग्रो इन द राइट डायरेक्शन तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे इनशाला और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े मेहरबानी इनशाला फ़ौर से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव तरब याफ्ता वीडियोज से आप फायदा हासिल कीजिए और दुआओं में हमें भी याद कीजिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलहमदुलिल्लाह इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताऊन किया है अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदकाए जारिया बनाए आमीन आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पोंसर करने के लिए कॉल करें 95888826 पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें